अनदर न्यू वीडियो। मैं अभी हूँ मैसूर पैलेस के सामने, पीछे देख सकते हो मैसूर पैलेस है मेरा। एंड आज मैसूर से फिर से हम लोग वापस जाने वाले हैं बेंगलोर तक, और वो जर्नी होने वाली है मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में। काफ़ी एक खूबसूरत सा जर्नी होने वाली है, क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस इस रूट में मतलब अलग ही चीज़ है। और उसमें पता है कितना किराया? बस 315 था, 315 इतना किराया देके हम लोग मैसूर से बेंगलोर तक पहुंचने वाले हैं। और 2:15 पे हमारी ट्रेन है, जो कि हम लोग को बस 2 घंटे में 4:15 तक हम लोगों को बेंगलोर तक पहुंचा देगी। इतना स्विफ्ट जर्नी होने वाला है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। यहाँ पर थोड़ा सा धूप है तो मेरा आँखें नहीं खुल रही, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जर्नी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ से हम लोग सीधा चलेंगे स्टेशन तक, फिर स्टेशन में जाके आप लोगों से मिलते हैं। पर काफ़ी सारे शॉप्स हैं, तो हमने सोचा कि रेलवे स्टेशन जाने से पहले यहाँ से थोड़ा सा मैसूर पाक की जाए। यहाँ पर गुरु स्वीट नाम की एक दुकान है, तो यहाँ से हम लोग मैसूर पाक ले लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैसूर आए हैं और मैसूर पाक ना दे ये तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे। मार्केट लगा हुआ है, फलों की सब्जियों की पूरा मार्केट है एकदम। यहीं पर है ये गुरु स्वीट, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के यहाँ पर स्वीट्स हैं, तो हम लोगों ने बस मैसूर पाक लिया है। कैंसिल हो गया ना प्लान। टिकट लेने के बाद हम लोग सीधा आ गए हैं स्टेशन। स्टेशन के एकदम पास ही A2B है, रेस्टोरेंट है। वहाँ पर सोच रहे खाने का कुछ खा लिया जाए, क्योंकि लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो वहीं से कुछ टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ खा के डायरेक्ट स्टेशन चलते हैं, स्टेशन बिल्कुल पास ही है। वहाँ पर देखो, वहाँ पर स्टेशन है एंड ये है A2B, तो वहीं पे चल के थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फिर स्टेशन चल के आप लोगों से मिलते हैं। सांभर राइस वो वाला ख़त्म हो चुका है। मैंने अपने लिए मौसमी का जूस मंगवाई थी, वो भी आ गया है। तो ये सब खाना ख़त्म करके डायरेक्टली स्टेशन चलते हैं, वहीं पर जाके आप लोगों से मिलते हैं। मैसूर जंक्शन पे आ पहुँचे हैं, अभी 1:30 बज चुका है, 2:15 पे हमारा ट्रेन है। एंड आज जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बजाय 5 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटने वाली है, तो सीधा 5 नंबर प्लेटफॉर्म तक चलते हैं, वहाँ जाके ट्रेन को बोर्ड करते हैं, बात करते हैं आप लोगों से। 1208 चेन्नई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका टाइमिंग है 14:50, वो अभी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। मोस्टली क्या होता है कि ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आता है, लेकिन आज प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बजाय वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे दिया गया है। एंड अभी हम लोग एस्केलेटर के ज़रिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक जा रहे हैं, वहीं पे जाके ट्रेन को बोर्ड करते हैं, फिर आप लोगों से जाके बात करते हैं। इस बात क्या है पता है कि ये शताब्दी एक्सप्रेस थोड़ा सा भी डीले नहीं करता है, 2 घंटे के अंदर बेंगलोर स्टेशन तक पहुँचा देती है। पता नहीं आज क्या होगा, या तो ये पहले पहुँचते हैं टाइम से या फिर सही टाइम पर पहुँचते हैं, लेकिन डीले नहीं करती। आज देखते हैं क्या होता है। और सबसे और एक खासियत है इस ट्रेन की कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में ये किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती है, तो ये थोड़ा सा यूनिक जर्नी होने वाली है। क्योंकि मोस्टली मैं जब भी ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, आप लोगों को स्टेशन जो आते हैं, हॉल्ट वाले स्टेशन जो आते हैं, वो कवर करते हुए, बताते हुए, उसके इन्फॉर्मेशन देते हुए चलती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसके बीच में मैसूर और बेंगलोर के बीच में कोई भी हॉल्ट स्टेशन नहीं है, तो वो थोड़ा सा यूनिक चीज़ होने वाली है आज की जर्नी की। प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी शताब्दी एक्सप्रेस लग चुकी है, लेकिन दरवाज़ा भी बंद है, तो जो पैसेंजर्स हैं वो यहीं पे वेट कर रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे, वेट करेंगे थोड़ी देर, फिर बोर्ड कर पाएंगे। नंबर C3 है, तो अभी हम लोग C3 तरफ बढ़ रहे हैं। दरवाज़ा खोल दिया गया है, पैसेंजर्स बोर्ड भी कर लिया है, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कंपार्टमेंट की तरफ। ट्रेन का बैठ के आप लोगों को पूरा एकदम बता दूंगी क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है यहाँ पे। आ गए हैं हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन को भी बोर्ड कर लिए हैं, लेकिन बात यह है कि जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो बेंगलोर तक खाली जाता है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सीट्स रिमेन वैकेंट। लेकिन बेंगलोर के बाद से चेन्नई तक की जो सफ़र है उस टाइम पे ट्रेन पूरा भर जाता है, सीट खाली नहीं होती है।
तब लिटरली अलग से टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल की बात हो जाती है, तब आपको टिकट भी नहीं मिलती, इतना ज़्यादा पैक्ड होता है ये ट्रेन। तो हमारा सफ़र तो बैंगलोर तक होने वाला है, तो इसलिए हमको ज़्यादा टेंशन करने की कोई बात नहीं है। खाली खाली रहेगा ट्रेन और हम लोग चिल करते हुए, आराम करते हुए शांति से पहुंच जाएंगे। बस 2 घंटा लगेगा हम लोगों को बैंगलोर पहुंचने में, 4:15 तक हम लोग मोस्टली पहुंच जाएंगे। आई होप कि आज भी ट्रेन डिले ना करे, एकदम परफेक्ट टाइम पर हम लोगों को पहुँचा दें। लोगों को मैं इस ट्रेन जर्नी के दौरान बता दूंगी कि आप भी अगर शताब्दी एक्सप्रेस के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी ट्रेन में, ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों को मैं बताती चलूँगी। टाइम देख लो एक बार, एकदम परफेक्ट टाइम पे हमारा ट्रेन छूट चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं मैसूर से बेंगलोर तक की। लाइन चेंज होके हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट टाइम पे हमारा ट्रेन छूट गया, हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है। अब सीधा बीच में कोई भी स्टेशन नहीं आने वाला है, अब जो स्टेशन आएगा वो है डायरेक्टली बैंगलोर। लेकिन उसी दौरान ट्रेन का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या करते हुए जा रहे हैं, वो सब कुछ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। एक बार यही से आप लोगों को दिखा देते हो, देखो ऊपर है लगेज रखने की जगह, इस तरफ भी है, दोनों तरफ लगेज रखने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पर 3 और 2 की सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। एक बार यहाँ पर बैठ के आप लोगों को दिखा देते हो क्या क्या सुविधा आप लोगों को मिलेगी। देखिए इतना ज़्यादा लेग स्पेस मिलने वाला है, काफ़ी स्पेशियस है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये है बॉटल होल्डर, ये है लेग रेस्ट, पैर रखने की जगह, यहाँ पर सामान वामान रख सकते हो, जैसे देखो मैगज़ीन रखा हुआ है, आप कुछ भी कैरी करो वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। एंड ये है ट्रे, अगर आपको खाना खाना हो कुछ भी हो यहाँ पर आप लोग रख सकते हो, और हो जाने के बाद ये बंद नहीं हो रहा वैसे, लेकिन ये वाला देख लो ऐसे बंद करके फोल्ड करके रख दो। फिर ऊपर है लाइट्स, ये लाइट जला सकते हो, मतलब काफ़ी सारे सुविधाएं दी गई। एंड देख लो कोच पूरा बहुत साफ़ सुथरा है। तो ट्रेन स्टार्ट होते ही हम लोगों को एक बॉटल मिल गया है, ये बॉटल सर्व कर दी जाती है, वैसे ये 1 लीटर वाला नहीं है, उससे छोटा वाला है। 1 लीटर वाला जो है वो 15 रुपीज़ का होता है, ये 500 ml का है, 10 रुपये का आता है, ये वाला बॉटल आपको सर्व कर दिया।
यहाँ पर एक बिस्किट दी गई है, ओट्स बिस्किट है, वो भी यूनिबिक का ओट्स बिस्किट। ये देख के अच्छा लगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो माली बिस्किट ही देते हैं। यहाँ पर अलग से चाय पत्ती का ये मिल गया है, सैशे मिल्क एक्स्ट्रा चीनी सब कुछ यहाँ पर दी गया है। थोड़ी देर बाद तो वो लोग कप और वार्म वाटर भी सर्व कर देंगे। यहाँ पर चाय बनाई जा रही है एकदम अच्छे से क्रीमर डाल के। चाय बनाई भी जा रही है, चाय बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है, सच बोलो तो बन भी गई है, बन भी गई है। इसका कैसे कि भाई इसका कोई पता खराब होने वाला है कि आज इसका और साथ में हमको मेरा ड्राइवर सब ठीक है। तो चाय बना लिया और आते वक्त जैसा आप लोगों को दिखाया था कि गुरु स्वीट से हम लोगों ने मैसूर पाक लिए थे और मुरमुरा लिए थे, वो सब भी यहाँ चाय के साथ खा रहे हैं। और बिस्किट के नाम पे यहाँ पर यूनिबिक का ओट्स बिस्किट दिया गया है, नॉर्मली मारे बिस्किट दिया जाता है, आज ये वाला दिया गया है। तो ये सब खाते हुए फिर हम लोग मैसूर पाक भी चाय करेंगे। ये सब करते हुए हमारा ट्रेन जर्नी हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं बैंगलोर तक की। मैसूर पाक जो है वो बाहर निकाल लिया है, वैसे थोड़ा सा टूट फूट गया है, कुछ कुछ तो ये लोगों ने खा भी लिया है, लेकिन मैं अभी टेस्ट करूँगी, मैंने टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, थोड़ा सा लेके देखती हूँ। पूरा घी का फ्लेवर आ रहा है, एकदम भर भर के घी डाला हुआ है, माउथ मेल्टिंग है, अच्छा लग रहा है मुझे, काफी सही लग रहा है। शेल्स तुम ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। अरे यार अभी ट्राई करना पड़ेगा, ओवरटेक नहीं किया। लुक क्या हो रहा है? देखो पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे ना तो मुझे थोड़ा मीठा लग रहा है, मैं कम मीठा प्रेफर करता हूँ। बैंगलोर का आनंद भवन का मैंने ट्राई किया, लिटरली इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है किसी को मीठा ज़्यादा पसंद हो तो ये ट्राई कर ले, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खा भी लिया है, अच्छा लग रहा है इसलिए खा लिया। काफ़ी निपटा लिया, मैं नहीं खाया हूँ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगा है, घी का पूरा फ्लेवर आ रहा है, एकदम भर भर के घी डाला हुआ है, मुझे सही लगा है, मुझे ज़्यादा मीठा नहीं लगा, लेकिन श्रेयांश को लगा है, तो डिपेंड करता है कि कैसा फ्लेवर है, लेकिन मुझे काफ़ी सही लगा है। हम लोग ऑलरेडी सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं, 30-25 किलोमीटर शायद बाकी है बैंगलोर पहुंचने में, एंड अभी बस 3:30 बज रहे हैं, तो एकदम टाइम से हम लोग चल रहे हैं और टाइम पे ही पहुंच जाएंगे बैंगलोर सिटी तक। एकदम आसमान पे पूरा बादल छा चुका है, ओवरकास्टिंग हो चुका है, अभी पूरा दिन ही आज बादल तो था लेकिन बारिश नहीं हुआ, देखते हैं शायद बाद में बैंगलोर में बारिश हो जाए। वाली जो वाटर पार्क है वो यहाँ से दिखता है, उतना सही तरीके से तो आप लोगों को नहीं दिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। देखिए वो है झूला, अगर वहाँ पर जाना हो तो आपको बैंगलोर से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, तभी आप लोग जा सकते हो, बस वगैरह चलता है वहाँ तक, आप लोग आराम से पहुँच सकते हो।
से पहले, लेकिन नयन दहली जो कि नॉन हॉल स्टेशन है वहाँ पर आके हमारे ट्रेन काफ़ी देर तक रुका, दो दिन में तक हॉल्ट ले लिया, अभी जाके वहाँ पर छूट चुकी है। पास से एक और ट्रेन पास कर रहा है, पास वाले प्लेटफॉर्म से देख सकते हो, लेकिन हमारी मतलब बैंगलोर में ऑलरेडी हम लोग एंटर कर चुके हैं, लेकिन बैंगलोर सिटी जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से मैक्स टू मैक्स 8 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं बैंगलोर तक। जर्नी हम लोगों की बहुत मज़ेदार रही है, बहुत रिलैक्सिंग जर्नी रहा है, कहीं पर भी हॉल्ट नहीं था हमारी ट्रेन का, हम लोग खाते पीते मौज मस्ती करते करते 2 घंटा कब बीत गया हम लोग को पता तक नहीं चला। बैंगलोर जोधपुर यहाँ पे खड़ी हुई है, शताब्दी यहाँ पे 10 मिनट बिफोर टाइम आई है, 4:05 पे अरावल हो गया, 4:15 का बल्कि टाइम था, 4:15 पे टाइम था हमारा ट्रेन का पहुँचने का अरावल टाइम, लेकिन अभी बस 4:05 हुआ है और हमारा ट्रेन बैंगलोर सिटी तक पहुँच चुका है। मतलब समझ सकते हो कि टाइम से 10 मिनट पहले हम लोग बैंगलोर सिटी तक पहुंच गए हैं। वैसे तो बैंगलोर के आउटर पे भी हमारा ट्रेन रुका हुआ था, बीच में कोई हॉल्ट नहीं होता, लेकिन एक नॉन हॉल्ट स्टेशन पे भी हमारा ट्रेन 3-4 मिनट भी रुका हुआ था, लेकिन अगर वो सब भी नहीं रुकता तो सोचो कितना जल्दी पहुँच जाते हम लोग। तो बहुत ही सही चलता है ये शताब्दी एक्सप्रेस विदाउट एनी डीले। मैंने आपको जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही बोली थी कि ये डीले तो होता ही नहीं है, बल्कि टाइम से पहले ही पहुँच जाता है। नावस विशिंग कि हमारा ट्रेन पहुँच जाए जल्दी, और पहुँच भी गया 10 मिनट पहले हम लोग पहुँच चुके हैं। जर्नी छोटा था लेकिन बहुत मस्ती भरा जर्नी था। यहाँ पर भी कुछ ओकेशन, कुछ अनुष्ठान चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स बज रहा है, कोई ओकेशन हुआ होगा। मैंने हम लोग को बताया था कि बैंगलोर से ये ट्रेन फुल, जैसे ही मैंने हम लोग को बताया था कि ये ट्रेन बैंगलोर से फुल पैक हो जाता है, तो यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं रहता, फुल पैक होकर ये चेन्नई तक चलता है। तो वैसे यहाँ से फुल बोर्डिंग हो चुका है, एकदम भर गया है, कोई भी सीट खाली नहीं है। जर्नी छोटा था लेकिन बहुत मस्ती से गया, एंजॉय करते हुए 2 घंटा कब बीत गया पता तक नहीं चला। अगर आप लोगों को ये जर्नी मेरी तरह ही पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिल रहे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।